श्योपुर में आज सरपंच प्रत्याशी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। मामला श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत नंदापुर का है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात हुई मतगणना को लेकर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। यहां प्रत्याशी का कहना है कि जब गिनती हुई तो हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया। उनका ये भी कहना है कि हमारे पोलिंग एजेंटों को कोई भी पावती नहीं दी गई, ना ही कोई रिसीव दी गई। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम दोबारा गिनती के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन देने आए हैं। आवेदन देने के लिए गांव से सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। उनकी ये मांग है कि हमारी पंचायत की दोबारा से गिनती हो, ताकि स्पष्ट हो कि कौन जीता है और कौन हारा है। इस तरह का मामला आया, कौन सी ग्राम पंचायत से? नंदापुर पंचायत से साहब, ये गिनती हुई है पोलिंग में, जिसमें गड़बड़ हुई है तो उसकी गिनती करवाना चाहते हैं दोबारा। अच्छा, क्या गड़बड़ हुई है पोलिंग में? पोलिंग में गड़बड़ी हुई है साहब, जितने वोट थे हमारे वोट नहीं निकल रहे, वोट कम पड़ रहे हैं। नहीं तो मतलब तुम्हें कैसा पता चला कि गड़बड़ हुई है? गिनती में पता चल गया ना, उनने जो रिजेक्ट वोट नहीं है उसको भी रिजेक्ट कर दिया, हमारे एजेंट को बाहर निकाल लिया। अच्छा, हाँ। और आपको रसीद दी? नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई प्रमाण नहीं हमारे पास, रफ्त नहीं दी। भीड़ जमा लेकर के आए हो, कौन सी ग्राम पंचायत से आए हो? किस तरह का मामला है? धोखा हुआ सर, काउंटिंग में तो दोबारा रिकाउंटिंग करवानी है। अच्छा, रिकाउंटिंग के लिए आप आए हो ग्राम पंचायत नंदापुर से? नंदापुर से, तीनों पेटी उनकी करवानी है। अच्छा, आप आ जाओगे सर? नंदापुर पंचायत। किस तरह का मामला है? अरे भाई साहब, वहाँ क्या काउंटिंग चली थी, तब जो हमारा एजेंट था वहाँ अंदर, तो आज जो काउंटिंग के टाइम पे मतलब एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, ठीक, करने के बाद में फिर वो उनका एजेंट बाकी वो अंदर रात दो पाँच मिनट के लिए, तो ना तो उनके पास पावती दी गई और ना उनके हाथ साइन करवाए गए शाम तक। आपको पावती नहीं मिली? नहीं, नहीं, नहीं मिली। अच्छा, हाँ, तो अब रिकाउंटिंग करवाना था? हाँ, काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं। और आया मामला यही है कि गिनती हो गई, गिनती में हम जीत गए कल चुनाव में। हाँ, कल चुनाव में, फिर दोबारा गिनती होने में हम तो हरा दे, चार बोर्ड से बंजारा गुलाब बंजारा गुलाब बंजारा। 10-20 मिनट के ब्रेक लेने के बाद पोलिंग में उनके आदमी थे और हम बाहर निकल आए, हमारा एजेंट बाहर निकल गया था, बाकी उनका कैंडिडेट अंदर दो पाँच मिनट अंदर रहा वो। अच्छा, तो अभी अब आप कलेक्ट्रेट में आज आए हैं, आवेदन आवेदन किसको देने आए? मेरे पास चन्ना और कौन है? आप बोलो। ग्राम नंदापुर से, मेन पंचायत कौन सी है आपकी? नंदापुर। किस तरह का मामला, क्या मामला लेकर के आज कलेक्टेड आए? मामला लेके ये आए कि वो वोटिंग शुरू होते समय जो गड़बड़ी हुई नहीं, उसके वो काके विषय एप्लीकेशन देने आए। एप्लीकेशन देने? हाँ। तो गड़बड़ी कैसे हुई? गड़बड़ी ऐसे हुई कि नंदापुर पंचायत से 213 वोट ले गया, यहाँ 206 वोट लेके आए, फिर लास्ट की पेटी पे उन्होंने जो हम काउंटिंग पे 10-20 मिनट का ब्रेक लिया था और हमारा वे जो आदमी था वो एजेंट वो बाहर निकला, उनका एजेंट अंदर घुस गया, फिर उन्हें 10-20 मिनट बाद में काउंटिंग चालू करी, चार वोट से जिता दिया। तो आप लोगों को उसका प्रमाण दिया? नहीं, प्रमाण नहीं दिया। अभी अब आप कलेक्ट्रेट में आ जाए तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि दोबारा से गिनती हो।